तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग, वेलकम टू डियर टेक्निकल ज्ञान। आज हम लोग विदाउट एनी लूजिंग टाइम शुरू करते हैं ICH हार्मोनाइज्ड ट्राइपार्टाइट गाइडलाइन क्वालिटी रिस्क मैनेजमेंट Q9। क्वालिटी रिस्क मैनेजमेंट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट गाइडलाइन है और ICH का मेरे हिसाब से काफी इंपॉर्टेंट, वन ऑफ द बेस्ट इंपॉर्टेंट गाइडलाइन है जो हम लोगों को जानना ही पड़ेगा, जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज और अदर इंडस्ट्रीज के साथ जुड़े हुए हैं सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट गाइडलाइन है। चलिए इंट्रोड्यूस होते हैं इस गाइडलाइन के साथ। रिस्क मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर इफेक्टिवली यूटिलाइज्ड इन मेनी एरियाज ऑफ द बिजनेस एंड द गवर्नमेंट इंक्लूडिंग फाइनेंस, इंश्योरेंस, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, पब्लिक हेल्थ, फार्माकोविजिलेंस एंड बाय एजेंसीज रेगुलेटिंग द इंडस्ट्रीज। तो सभी के लिए जो है ये गाइडलाइन required है। It commonly understood that the risk is defined as a combination of probability of occurrence of the harm and severity of the harm। तो मतलब क्या है कि रिस्क असेसमेंट करने के लिए हम लोगों को सबसे पहले जानना पड़ेगा कि जो रिस्क है वो रिस्क जो है वो दोनों चीज का कॉम्बिनेशन के ऊपर डिपेंड करते हैं। एक जो है कि उसका प्रोबेबिलिटी और ऑकरेंस ऑफ द हार्म, कितना फ्रीक्वेंटली वो हो सकता है, उसका होने का कितना चांस है रिस्क। दूसरा है कि वो रिस्क अगर हो गया है एक बार सिस्टम में तो वो आपके लिए कितना ज्यादा सीवियर है, कितना ज्यादा हार्मफुल है। ये दोनों के ऊपर डिपेंड करते हैं कि रिस्क कितना पोटेंशियल हो सकता है और उसको कैसे मैनेज करना चाहिए। मैन्युफैक्चरिंग एंड यूज ऑफ द ड्रग और ड्रग प्रोडक्ट इंक्लूडिंग द कॉम्पोनेंट्स necessarily essential for some degree of risk. The risk is to the quality is just one component of the overall risk. It is important to understand the product quality should be maintained throughout the product life cycle, such as the attributes are important to the quality of the drug or medicinal product remain consistent with those used in the clinical studies. That means क्लिनिकल स्टडीज में जो भी प्रोडक्ट का क्वालिटी हम लोग डिफाइन करते हैं वो थ्रू आउट द ड्रग लाइफ साइकिल मेंटेन होना चाहिए। अगर वो मेंटेन नहीं हुआ और अगर प्रोडक्ट का लाइफ साइकिल में कोई भी प्रॉब्लम है, जो पेशेंट का हेल्थ और सेफ्टी के साथ कोई भी प्रॉब्लम हो सकता है, देन इट शुड बी इवेल्युएटेड। और जब हम लोग ड्रग को मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो डिफरेंट स्टेजेस में पोटेंशियल रिस्क जो है जेनरेट हो सकता है। एंड इफेक्टिव क्वालिटी रिस्क मैनेजमेंट अप्रोच कैन फर्दर एंश्योर द हाई क्वालिटी ऑफ द ड्रग और मेडिसिनल प्रोडक्ट टू द पेशेंट बाय प्रोवाइडिंग द प्रोएक्टिव मींस टू आइडेंटिफाई एंड कंट्रोल पोटेंशियल क्वालिटी इश्यूज ड्यूरिंग डेवलपमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग। जो भी ड्यूरिंग डेवलपमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग में पोटेंशियल इश्यूज जेनरेट हो सकते हैं, जो पेशेंट के हेल्थ सेफ्टी के साथ प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं, उसको इमीडिएट बेसिस पे आइडेंटिफाई करना चाहिए। देखते हैं इस गाइडलाइन का स्कोप कहां पे है। दिस गाइडलाइन प्रोवाइड्स प्रिंसिपल एंड एग्जांपल्स ऑफ टूल्स फॉर क्वालिटी एंड रिस्क मैनेजमेंट दैट कैन बी अप्लाइड टू डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ द फार्मास्यूटिकल क्वालिटी। दीज एस्पेक्ट्स इंक्लूड डेवलपमेंट, मैन्युफैक्चरिंग, डिस्ट्रीब्यूशन एंड इंस्पेक्शन एंड सबमिशन रिव्यू प्रोसेस थ्रू आउट द लाइफ साइकिल ऑफ द ड्रग सब्सटेंसेस, ड्रग मेडिसिनल प्रोडक्ट्स, बायोलॉजिकल बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट्स इंक्लूड use of raw materials, solvents, excipients, packaging material, labeling materials in drug or medicinal products, biological and biotechnological products। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है कि ये जो गाइडलाइन है ये गाइडलाइन फार्मास्यूटिकल क्वालिटी को निर्धारण करने के लिए सभी जगह पे अप्लाई होता है। और ये इसका एस्पेक्ट्स क्या क्या है? एस्पेक्ट्स है डेवलपमेंटल स्टेज में है, मैन्युफैक्चरिंग स्टेज में है, डिस्ट्रीब्यूशन में है, इंस्पेक्शन में है, अगर आप कोई ड्रग सबमिशन करते हो, अगर रेगुलेटरी बॉडीज को आप कुछ डेटा देते हो उसके लिए भी एप्लीकेबल है। आप लाइफ साइकिल मैनेजमेंट करते हो ड्रग्स का तो उसमें आपको पूरा चीजें इवेल्युएट करना पड़ेगा, जैसे कि ड्रग प्रोडक्ट्स इधर बायोलॉजिकल और बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट्स, उसमें रॉ मटेरियल इंक्लूड हो सकता है, सॉल्वेंट हो सकता है, एक्सिपिएंट्स हो सकता है, पैकेजिंग मटेरियल हो सकता है, लेबलिंग मटेरियल हो सकता है और ड्रग प्रोडक्ट्स भी हो सकता है। तो सभी के लिए ये गाइडलाइन इम्प्लाई होता है। अभी देखते हैं प्रिंसिपल ऑफ क्वालिटी रिस्क मैनेजमेंट। क्वालिटी रिस्क मैनेजमेंट को मैनेज करने के लिए क्या क्या प्रिंसिपल है? दो बेसिक प्रिंसिपल है, टू इवेल्युएशन द रिस्क इन द क्वालिटी
should be based on the scientific knowledge and ultimately linked to the protection of the patient. Ultimately, आपको आपका system में जितना भी risk है जो quality के साथ associated हो सकता है उसको आप scientific knowledge के साथ उसको evaluate करना पड़ेगा और वो understand करना पड़ेगा कि patient की health और safety के साथ कितना वो खिलवाड़ कर सकता है, कितना patient और health safety उसमें compromise हो रहे हैं उसको identify करना सबसे ज्यादा important है. The level of effort, formality and documentation of the quality risk management process should be communicate with the level of national risk. तो अभी क्या बोल रहे हैं कि आपका efforts जो है वो formally documented होना पड़ेगा और उसको जो है जो level of risk है उसके साथ communicate होना पड़ेगा, मतलब आपका जैसे level of risk होगा उसके हिसाब से आपको managing tools decide करके आपको actions derive करना पड़ेगा to reduce or eliminate the potential risk. अभी देखते हैं general quality management process. Quality risk management is a systematic process for assessment, control, communication and review of the risk to the quality of drug or medicinal product across the product life cycle. तो हम लोग पहले ही बोल चुके हैं कि across the product life cycle जो है क्वालिटी रिस्क मैनेजमेंट को धीरे धीरे सिस्टमेटिक वे में कंटिन्यूअस वे में किया जाता है, जिससे आप रिस्क को एसेस करते हो, रिस्क को कंट्रोल करते हो, रिस्क को कम्युनिकेट करते हो आइदर विद द अदर लोकेशन अदर प्लांट ऑफ द सेम ऑर्गेनाइजेशन आइदर विद द रेगुलेटरी बॉडीज आइदर विद द पेशेंट्स, और रिस्क को रिव्यू किया जाता है, रिस्क को प्रॉपरली एक्सेप्ट किया जाता है और अक्रॉस द लाइफ साइकिल रिस्क को कॉन्टिन्यूस बेसिस पे मॉनिटर किया जाता है. तो इसी का हम लोग देखते हैं, चलिए एक ओवरऑल डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द क्वालिटी रिस्क मैनेजमेंट, रिस्क को कैसे मैनेजमेंट करते हैं. सबसे पहले इनिशिएट ऑफ द क्वालिटी रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस, सबसे पहले रिस्क को जो है रिस्क मैनेजमेंट इनिशिएट होता है. रिस्क मैनेजमेंट का फर्स्ट स्टेप जो है वो है रिस्क को एसेस करना. रिस्क एसेसमेंट के टाइम पे सबसे पहले रिस्क को आइडेंटिफाई किया जाता है, जितना भी पोटेंशियल रिस्क है उसको सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा. उसके बाद रिस्क को एनालिसिस करना होगा. रिस्क एनालिसिस के बाद रिस्क को प्रॉपरली इवैल्यूएट करना पड़ेगा कि रिस्क जो है कितना सीवियर है और कितना पोटेंट है और उसका फ्रीक्वेंसी कितना हो सकता है, आपका सिस्टम में वो जो रिस्क है वो कितना फ्रीक्वेंटली एड्रेस हो सकता है. इसको अब जैसे आइडेंटिफाई हो जाएगा इट शुड बी कम्युनिकेटेड अकॉर्डिंगली, जो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया. अभी जो है रिस्क कंट्रोल के बारे में आता है. रिस्क एसेसमेंट हो जाने के बाद रिस्क को कंट्रोल करना पड़ेगा. रिस्क कंट्रोल करने के लिए क्या होता है कि दो तरीका है, एक तो है कि रिस्क को पहले रिड्यूस करना पड़ेगा अप टू द एक्सेप्टेंस लेवल. रिस्क को आपको रिड्यूस करने के लिए सुटेबल एक्शंस डिराइव करना पड़ेगा. अगर वो अनएक्सेप्टेबल हुआ देन आपको पहले फिर से दोबारा रिस्क एसेसमेंट करना पड़ेगा. अगर वो एक्सेप्टेबल हुआ देन रिस्क को एक्सेप्ट किया जाता है सिस्टम में कि इतना रिस्क है और उस रिस्क की बिहाफ पे आउटपुट रिजल्ट ऑफ द क्वालिटी रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस. तो उसकी बाद पीरियोडिकली रिस्क को फिर रिव्यू किया जाता है और रिस्क को एक्सेस करने के लिए रिस्क अलग अलग रिस्क मैनेजमेंट टूल्स है अपने पास, जिसके बारे में थोरली हम लोग आगे डिस्कशन करेंगे. अभी देखेंगे रिस्पॉन्सिबिलिटी किसका है. क्वालिटी रिस्क मैनेजमेंट एक्टिविटीज आर यूजुअली बट नॉट ऑलवेज undertaken by the interdisciplinary team. When teams are formed, they should include experts from the appropriate areas like quality unit, business development, engineering, regulatory affairs, production operation, sales, marketing, legal, statistics and clinical. तो मतलब क्या है कि in general risk assessment करने के लिए एक risk assessment इंटरडिसिप्लिनरी टीम बनाया जाता है, टीम फॉर्मेशन होता है. ये टीम में कौन कौन रहता है, मेनली क्वालिटी यूनिट रहते हैं, बिजनेस डेवलपमेंट का पर्सन रहते हैं, इंजीनियरिंग होता है, रेगुलेटरी अफेयर्स भी होता है, प्रोडक्शन ऑपरेशंस का टीम जो है वो रहते हैं प्रोडक्शन पर्सनल्स, सेल्स मार्केटिंग का टीम होता है, लीगल अफेयर्स जो करते हैं उसके लिए टीम होता है, जो स्टेटिस्टिकल और क्लिनिकल रिसर्च करते हैं उनका भी टीम साथ में होता है. अभी देखते हैं इनिशिएटिंग अ क्वालिटी रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस. सबसे पहले क्या होता है, रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस को इनिशिएट किया जाता है. उसके लिए सबसे पहले डिफाइन द प्रॉब्लम और रिस्क क्वेश्चन. सबसे पहले जो है प्रॉब्लम को एज ए क्वेश्चन फॉर्म में
प्रॉब्लम को एड्रेस किया जाता है, टॉस किया जाता है कि प्रॉब्लम क्या हो सकता है, इंक्लूडिंग द पेशेंट एज्यूम्पशंस, आइडेंटिफाइंग द पोटेंशियल्स ऑफ द रिस्क। तो रिस्क को पहले आइडेंटिफाई किया जाता है कि क्या रिस्क हो सकता है, उसके बाद असेंबल द बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन एंड डेटा ऑन द पोटेंशियल हैजर्ड्स, हार्म और ह्यूमन हेल्थ इंपैक्ट रिलेवेंट टू द रिस्क असेसमेंट। उसके बाद आइडेंटिफाई लीडर एंड नेसेसरी रिसोर्सेज। उसके बाद जो एक लीडर को आइडेंटिफाई किया जाता है और नेसेसरी रिसोर्सेज ढूंढा जाता है। उसके बाद स्पेसिफाई द टाइम लाइन, deliverable and appropriate level of decision making for the risk management process। ये होता है risk initiation। अभी देखते हैं, risk initiate तो हो गया, अभी क्या करेंगे, risk को assess करना पड़ेगा। risk assessment क्या होता है, risk assessment consists of identification of the hazards and the analysis and evaluation of the risk associated with exposure to the hazards। तो मतलब क्या है कि इसमें risk को identify तो किया जाता है, identified risk को properly analysis किया जाता है और उसके बिहाफ पे उसको प्रॉपरली इवेल्युएट करके, वो अगर रिस्क अगर सिस्टम में हुआ, एक्सपोज हुआ, रिस्क के साथ हम लोग अगर एक्सपोज हुए तो अपने लिए कितना हानिकारक हो सकता है, इसको प्रॉपरली असेसमेंट किया जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं कि रिस्क असेसमेंट। अभी रिस्क असेसमेंट करने का तरीका क्या है, सबसे पहले जो है आपको कुछ क्वेश्चन करना पड़ेगा, जैसे कि व्हाट माइट गो रॉन्ग, मतलब जो रिस्क है वो रिस्क क्या हो सकता है, क्या गलत हो सकता है, तो गलती को ढूंढना सबसे पहले जरूरी है। अभी देखेंगे व्हाट इज द लाइकलीहुड और प्रोबेबिलिटी इट विल गो रॉन्ग, जो भी गलत हुआ है या गलती हो सकता है तो उसका लाइकलीहुड और प्रोबेबिलिटी कितना है, कितना फ्रीक्वेंट बेसिस पे वो सिस्टम में आ सकता है, डेली बेसिस पे, जैसे हर एक बैच में क्या ऐसा कुछ गलती हो सकता है, साल में एक बार होता है या फिर बहुत रेयरली होने का चांसेस है, फ्रीक्वेंटली होता है, तो ये दिस इज द प्रोबेबिलिटी। अभी व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेस और सीवीआईटी, अगर ये जो एरर है या फिर जो रिस्क है वो रिस्क अगर एक बार जेनरेट हुआ तो वो सिस्टम को कितना एडवर्सली इफेक्ट करेगा, तो उसका कॉन्सिक्वेंसेस को देखना भी जरूरी है। तो अभी देखेंगे रिस्क आइडेंटिफिकेशन, रिस्क आइडेंटिफिकेशन सिस्टमेटिक यूज ऑफ इंफॉर्मेशन टू आइडेंटिफाई हैजर्ड्स रेफरिंग टू द रिस्क क्वेश्चंस और प्रॉब्लम डिस्क्रिप्शन। इंफॉर्मेशन कैन इंक्लूड हिस्टोरिकल से डेटा, थ्योरेटिकल एनालिसिस, इंफॉर्मेशन, ओपिनियंस, कॉन्सर्न्स ऑफ द स्टेक होल्डर्स। रिस्क आइडेंटिफिकेशन एड्रेसेस व्हाट माइट गो रॉन्ग, जो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया, इंक्लूडिंग आइडेंटिफाइंग द पॉसिबल कॉन्सिक्वेंसेस, उसके साथ उसका कॉन्सिक्वेंसेस भी चेक करेंगे। अभी रिस्क एनालिसिस, रिस्क एनालिसिस क्या है, रिस्क एनालिसिस इज द एस्टिमेशन ऑफ रिस्क एसोसिएटेड विद द आइडेंटिफाइड हैजर्ड्स। This is a qualitative or quantitative process or liking the likelihood of occurrence and severity of the harms. अभी देखेंगे risk evaluation. Risk evaluation compare the identified and analyzed risk against the given risk criteria. Risk evaluations consider the strength of evidence for all the three of the found of the फंडामेंटल क्वेश्चंस। इसके भी आप हम लोग क्या करेंगे, रिस्क इवैल्यूएट करेंगे, जिसको हम लोग रिस्क प्रायोरिटी नंबर बोलते हैं, उसको आरपीएन नंबर भी बोला जाता है। उसकी भी आप हम लोग डिसाइड करते हैं वेदर द रिस्क इज हाई रिस्क, मीडियम रिस्क और लो रिस्क, जिसकी अगेंस्ट पे रिस्क स्कोरिंग किया जाता है और फर्दर डिफाइन द डिस्क्रिप्शन ऑफ द रिस्क रैंकिंग, जिससे हम लोग रिस्क को रैंक कर सकते हैं। अभी रिस्क कंट्रोल करने का टेक्निक जानेंगे कि रिस्क कंट्रोल क्या है। रिस्क कंट्रोल इंक्लूड डिसीजन मेकिंग टू रिड्यूस और एक्सेप्ट द रिस्क। द पर्पस ऑफ रिस्क कंट्रोल इज टू रिड्यूस द रिस्क टू एन एक्सेप्टेबल लेवल। तो रिस्क को रिड्यूस करके एक्सेप्टेबल लेवल में लेके आने का टेक्निक है रिस्क कंट्रोल। द अमाउंट ऑफ एफर्ट यूज टू रिस्क कंट्रोल शुड बी पोटेंशियल टू द सिग्निफिकेंट ऑफ द रिस्क। जैसे जितना सीवियर रिस्क होगा उसकी एग्निस्ट पे उसका प्रोपोर्शनेट आपको एफर्ट करना पड़ेगा टू कंट्रोल और रिड्यूस द रिस्क। रिस्क कंट्रोल करने के लिए फॉलोइंग क्वेश्चंस किया जाता है। इज द रिस्क अबव द एक्सेप्टेबल लेवल, रिस्क क्या एक्सेप्टेबल लेवल से ज्यादा है। व्हाट कैन बी डन टू रिड्यूस और एलिमिनेट द रिस्क, रिस्क को रिड्यूस और एलिमिनेट करने के लिए क्या क्या चीजें किया जा सकता है। व्हाट इज
appropriate say, balance among say, benefit, risk and say, resources. आपके पास जो resources available है उससे आप risk को reduce करने के लिए आपको क्या benefit मिलेंगे, इसका तीनों का एक balance आपको system में available होना चाहिए जिससे आप risk को control कर सकते। अभी सबसे important है are new risks introduced as a result of identified as a risk being controlled. एक risk को control करने आपने गए, आपने actions लिया, उसके वजह से क्या नया risk generate हो गया, ये भी बहुत important है, होता है कि एक risk को आप control कर रहे हो तो नया risk जो है generate हो सकता है। अभी risk reduction, risk reduction क्या है, focuses on processes for mitigation or avoidance of the quality issue risk when it exceeds the specified acceptance level. Risk reduction might include actions taken to mitigate the severity and probability of the harm. Processes that improve the detectability of the hazards and the quality risk might also use as a part of the quality control strategy. So, मतलब क्या है कि risk को mitigate करने के लिए, reduce करने के लिए आप अलग-अलग actions ले सकते हैं। अगर वो आपका एक्सेप्टेड लेवल की ऊपर चले गया तो रिस्क रिडक्शन करने के लिए आपको रिस्क का सीवियरिटी और रिस्क का प्रोबेबिलिटी ऑफ हार्म को देखना जरूरी है। इसके लिए आपको प्रोसेस में कितना हैजर्ड जनरेट हो सकता है उसको डिटेक्टेबल डिटेक्ट करना पड़ेगा, उसके लिए अलग अलग टेक्निक्स है जिसके बारे में हम लोग आगे डिस्कशन करेंगे। अभी देखेंगे रिस्क एक्सेप्टेंस क्या है, आपने रिस्क को रिड्यूस किया अप टू द एक्सेप्टेंस एक्सेप्टेबल लेवल, अभी आपको इट इज अ डिसीजन टू एक्सेप्ट द रिस्क। रिस्क एक्सेप्टेंस कैन बी अ फॉर्मल डिसीजन, ये एक फॉर्मल डिसीजन हो सकता है और एक इनफॉर्मल डिसीजन भी हो सकता है विच इज आइदर स्पेसिफाइड और नॉट स्पेसिफाइड। एप्रोप्रिएट क्वालिटी रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी हैज बीन अप्लाइड एंड दैट क्वालिटी रिस्क इज रिड्यूस्ड टू अ स्पेसिफाइड और एक्सेप्टेबल लेवल। दिस स्पेसिफाइड एक्सेप्टेबल लेवल विल डिपेंड on many parameters and should be decided on case to case basis. तो अभी आप जो acceptable level पे risk को accept करेंगे उसके लिए आपका अलग अलग parameters हो सकते हैं, वो कोई fix नहीं है but it can vary up to case to case basis. Risk communication सबसे important है, risk को reduce करना और risk को accept करना जरूरी नहीं है, risk को communicate करना भी जरूरी है। Risk communication is the sharing of information about the risk and risk management between the decision makers and others. Parties can communicate to any stage of the risk management process. जो भी आप stakeholders है वो किसी भी stage में risk को communicate कर सकते हैं। Risk communication might include regulator and industry. Regulator के साथ industries के बीच में risk communication हो सकता है, industry and patient हो सकता है, patient के साथ industry का communication हो सकता है, within the company हो सकता है, इंडस्ट्री एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी हो सकता है। उसमें क्या क्या चीज कम्युनिकेट किया जाता है, उसमें रिस्क का एग्जिस्टेंस, रिस्क कहाँ पे है वो कम्युनिकेट किया जाता है, रिस्क का नेचर जो अभी हम लोगों ने बोला सीवियर कितना है, उसका प्रोबेबिलिटी, उसका एक्सेप्टेबिलिटी, रिस्क का फॉर्म, रिस्क कंट्रोल करने के लिए क्या क्या कंट्रोलिंग मेजर्स लिया जा सकता है, ट्रीटमेंट हो सकता है, डिटेक्टेबिलिटी हो सकता है और एनी अदर एस्पेक्ट ऑफ द रिस्क ऑन द पोटेंशियल क्वालिटी, ये सब कुछ आपका आप कम्युनिकेशन कर सकते हैं। अभी देखेंगे रिस्क रिव्यू, अभी रिस्क को आपने कम्युनिकेट कर दिया बट रिस्क मैनेजमेंट शुड बी एन ऑनगोइंग पार्ट ऑन द क्वालिटी मैनेजमेंट प्रोसेस। मतलब क्या है, क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम का एक ऑनगोइंग पार्ट है रिस्क रिव्यू, रिस्क को पीरियडिकल बेसिस पे रिव्यू करना पड़ेगा। अ मैकेनिज्म टू रिव्यू और मॉनिटर इवेंट्स शुड बी इम्प्लीमेंटेड, जिसके लिए आपको क्या क्या कर सकते हो, आप एक प्लान्ड मैनर में रिस्क को रिव्यू कर सकते हो, जैसे रिजल्ट्स ऑफ द प्रोडक्ट रिव्यू, प्रोडक्ट रिव्यू जो करते हैं हम लोग PQR करते हैं, PQR के द्वारा आप रिस्क असेसमेंट कर सकते हो, PQR का आउटकम के लिए पे आप जो इंस्पेक्शन होता है जैसे इंटरनल इंस्पेक्शन या सेल्फ इंस्पेक्शन भी बोलते हैं उसको, ऑडिट्स और एक्सटर्नल इंस्पेक्शन हो गया है, चेंज कंट्रोल हो गया है, ये सब के द्वारा आप रिस्क को पीरियोडिकली रिव्यू कर सकते हो। अनप्लान्ड वे में आप रिस्क को कैसे रिव्यू कर सकते हो, रूट कॉज फ्रॉम फेलियर इन्वेस्टिगेशन, कुछ फेलियर इन्वेस्टिगेशन का रूट कॉज आपको मिला उसके बिहार पे आप रिस्क को रिव्यू कर सकते हो, कुछ प्रोडक्ट रिकॉल हुआ, प्रोडक्ट रिकॉल का कारण ढूंढने के लिए आपने बैठे तो उसके बिहार पे भी प्रोडक्ट रिकॉल का कारण आपको मिला उसके बिहार पे आप कुछ रिस्क असेसमेंट कर सकते हो।
the frequency of any review should be based upon the level of the risk. अभी देखेंगे risk management का methodology क्या है. Quality risk management support a scientific and practical approach to the decision making. It is provide documented, transparent, productible methods to accomplish steps of the quality risk management process based on the current knowledge about accessing the probability, severity, sometimes the detectability of the risk. अभी देखेंगे रिस्क जो है नॉन एग्जॉस्टिव लिस्ट ऑफ सम टूल्स के ऊपर हम लोग रिस्क को डिटेक्ट करते हैं, रिस्क को आइडेंटिफाई कर सकते हैं. जैसे क्या, बेसिक रिस्क मैनेजमेंट फैसिलिटेशन मेथड्स. बेसिक रिस्क मैनेजमेंट फैसिलिटेट करने के लिए फ्लो चार्ट होता है, चेक शीट्स होता है, जिससे हम लोग बेसिकली जो सिस्टम में इम्बेडेड रिस्क है उसको हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं. उसके बाद हम लोग फेल्योर मोड इफेक्ट एनालिसिस, इसको हेमा बोलते हैं, फेल्योर मोड इफेक्ट एनालिसिस करते हैं रिस्क को असेसमेंट करने के लिए. फेल्योर मोड इफेक्ट एंड क्रिटिकलिटी एनालिसिस, FMECA बोलते हैं इसको. FMECA इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टूल जिससे हम लोग रिस्क असेसमेंट कर सकते हैं. फॉल्ट एनालिसिस करते हैं, हैजर्ड एनालिसिस एंड क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट जिसको हैकअप बोलते हैं, हैकअप से करते हैं. हैजर्ड ऑपरेटेबिलिटी एनालिसिस जिसको हैजॉब बोलते हैं, हैजॉब से करते हैं. प्रिलिमिनरी हैजर्ड एनालिसिस जिसको फा बोलते हैं. Preliminary hazard analysis is an important tool. Risk ranking and filtering is an also important tool. Supporting statistical tools भी है. अभी आगे बढ़ते हुए देखते हैं examples for industry and regulatory operations. उसके लिए quality risk management और quality management होता है. Examples for industry operations and activities के लिए, जैसे developmental stage में आप कर सकते हो, जो फैसिलिटीज आपके पास अवेलेबल है, इक्विपमेंट है, यूटिलिटीज है, उसमें आप रिस्क असेसमेंट कर सकते हो. मटेरियल मैनेजमेंट पे आप रिस्क असेसमेंट कर सकते हो. प्रोडक्शन के द्वारा आप रिस्क असेसमेंट कर सकते हो. आपके पास जो लेबोरेटरी कंट्रोल है, स्टेबिलिटी टेस्टिंग है, वहां पे आप रिस्क असेसमेंट कर सकते हो. पैकेजिंग एंड लेबलिंग के द्वारा आप रिस्क असेसमेंट कर सकते हो. एग्जाम्पल फॉर रेगुलेटरी ऑपरेशन, जैसे इंस्पेक्शन हो गया, असेसमेंट एक्टिविटी हो गया, वहां पे भी आप एडिक्वेट रिस्क असेसमेंट कर सकते हो. अभी हम लोग देखेंगे कि रिस्क असेसमेंट करने का बेसिक रिस्क मैनेजमेंट फैसिलिटीज एंड मेथड्स. जैसे हम लोगों ने पहले बोला, फ्लो चार्ट्स है, चेक शीट्स है, प्रोसेस मैपिंग हो गया, कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम्स है, जिसको हम लोग सभी लोग जानते हैं कि इसी का डायग्राम जो फायरी इशिकावा ने डेवलप किया है, इसको अल्टरनेटिव वे में फिश बोन डायग्राम भी बोला जाता है. अभी फेल्योर मोड इफेक्ट एनालिसिस FMEA और फेमा. फेमा का डिटेल्स आपको मिलेंगे IEC 60812 जो कि एक इंटरनेशनल गाइडलाइन है, वहां पे आपको इसका डिटेल्स मिल जाएंगे. फेमा क्या है? फेमा प्रोवाइड्स एन इवैल्यूएशन ऑफ द पोटेंशियल फेलियर मोड्स फॉर द प्रोसेस एंड देयर लाइकली इफेक्ट ऑन द आउटकम ऑन द प्रोडक्ट परफॉर्मेंस. फेमा क्या करता है? फेमा एक पोटेंशियल फेलियर मोड्स है जिससे आप क्या कर सकते हो, इसका आउटकम से आप प्रोडक्ट और प्रोसेस का परफॉर्मेंस को चेक कर सकते हो. वंस द फेल्योर मोड आर एस्टैब्लिश्ड, अगर आपने फेल्योर मोड कहां पे फेल हो रहा है वो फेल्योर मोड को एस्टैब्लिश कर दिए है, उसकी पे आप रिस्क रिडक्शन कर सकते हो टू एलिमिनेट, कंटेन, रिड्यूस और कंट्रोल द पोटेंशियल फेल्योर. समझ में आ गया होगा. अभी हम लोग देखेंगे कि पोटेंशियल एरिया ऑफ यूजेस, फेमा को कहां कहां पे यूज किया जा सकता है. फेमा को यूज करते हैं, फेमा कैन बी यूज्ड to prioritize the risk and to monitor the effectiveness of the risk control activities. FEMA can be applied to the equipment failures and it might be used to analyze the manufacturing operations and its effect on the product and the process. It identifies, eliminates operation within the system that render vulnerable. Abhi dekhenge FMECA, that is failure mode effects एंड क्रिटिकलिटी एनालिसिस, जो काफी इंपॉर्टेंट है. फेमा माइट बी एक्सटेंडेड टू इनकॉर्पोरेट द इन्वेस्टिगेशन ऑफ द डिग्री ऑफ सीवियरिटी ऑफ द कॉन्सिक्वेंसेज एंड देयर रेस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस. तो फेमा को ही अभी हम लोग एक्सटेंड अगर कर देंगे अप टू इन्वेस्टिगेशन लेवल, जिससे हम लोग उसका सीवियरिटी और उसका प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस और डिटेक्टिबिलिटी, ये चीज को हम लोग निर्धारण जहां पे कर पाएंगे
वहां पे हम लोग बोलेंगे उसको मतलब क्रिटिकलिटी भी एनालिसिस करेंगे कि कितना क्रिटिकल हो सकता है एफएमआर, तो वहां पे हो जाएगा एफएमईसीए. एफएमईसीए कैन आइडेंटिफाई प्लेसेस वेयर एडिशनल प्रिवेंटिव एक्शंस माइट बी एप्रोप्रिएट टू मिनिमाइज द रिस्क. एफएमईसीए की बिहार पे आप ये डिसाइड कर सकते हो कहां पे आपको एप्रोप्रिएट प्रिवेंटिव मेजर्स लेना है जिससे आप पोटेंशियल रिस्क को कंट्रोल कर सकते हो. With manufacturing process, the outcome of FMECA is related to the risk score, जिससे आपको हम लोग अभी पहले बोल रहे थे कि risk priority number और RPN निकलते हैं जिससे आप ranking कर सकते हो और उसका potential risk score के भी आप पे अब adequate preventive measures ले सकते हो. अभी जानेंगे faulty analysis. Faulty analysis का detail आपको IEC 61025 में मिलेगा. इसके ऊपर मेरा एक ऑलरेडी फॉरम वीडियो है, मैं इसका आई बटन में लिंक दे दूंगा, आप उसको भी चेक कर सकते हो. ये बहुत इंपॉर्टेंट टूल है. दिस टूल इवैल्यूएट सिस्टम और सब सिस्टम फेलियर्स वन बाय वन एट अ टाइम और कंबाइंड इन अ मल्टीपल कॉज ऑफ फेलियर बाय आइडेंटिफाइंग द कॉजल चेन्स. तो मतलब क्या, आपका सिस्टम और सब सिस्टम में मल्टीपल फेलियर अगर इन्वॉल्व है उसको आप एक चेन वे में उसको आप रूट कॉज फाइंड आउट कर सकते हो फॉल्टी एनालिसिस करके. द रिजल्ट्स आर रिप्रेजेंटेड पिक्चुरली इन द फॉर्म ऑफ ट्री फॉल्ट मोड. मतलब क्या है कि जो पेड़ का जो जड़े होते हैं जड़ की जैसे फॉल्टी एनालिसिस करते हैं और एक पिक्टोरियल शेप में आपको अलग अलग रूट कॉज यहाँ पे मिलेंगे. एट ईच लेवल इन द ट्री कॉम्बिनेशन ऑफ फॉल्ट मोड्स डिस्क्राइब इन लीगल ऑपरेशन. यहाँ पे क्या होता है लीगल ऑपरेशन जैसे एंड गेट और गेट ये अलग अलग ऑप्शन रहते हैं, तो उसके दौरान आपका हर एक ट्री में कॉम्बिनेशन ऑफ फॉल्ट जो है आपको नजर आएंगे. पोटेंशियल एरिया ऑफ यूजेस फॉल्ट ट्री कैन बी यूज टू स्टेब्लिश द पाथवे ऑफ द रूट कॉज इन द फेल्योर. फॉल्ट एनालिसिस कैन बी यूज टू इन्वेस्टिगेट कंप्लेंट्स और डेविएशंस इन अदर्स इन ऑर्डर टू फुल्ली अंडरस्टैंड द रूट कॉज एंड टू एंश्योर दैट इंटेंडेड इम्प्रूवमेंट्स विल फुल्ली रिजॉल्व द इशू एंड नॉट लीड टू द अदर इशू. तो मतलब क्या है कि पॉलिटी एनालिसिस मेनली आपका अलग अलग कुछ इन्वेस्टिगेशन हुआ कंप्लेंट और कुछ डेविएशन हुआ वहां पे आप इसको यूज कर सकते हो और इसका भी आप कुछ इंप्रूवमेंट्स डिसीजंस ले सकते हैं. अभी देखेंगे हैजर्ड एनालिसिस एंड क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट जिसको हैकअप बोला जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है. एचएसीसीपी इज अ सिस्टमेटिक प्रोएक्टिव प्रिवेंटिव टूल फॉर एश्योरिंग द प्रोडक्ट क्वालिटी रिलायबिलिटी एंड सेफ्टी. तो मतलब क्या है कि प्रोडक्ट का क्वालिटी रिलायबिलिटी और सेफ्टी को निर्धारण करने के लिए एचएसीसीपी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है. इससे आप सिस्टमेटिक प्रोएक्टिव एंड प्रिवेंटिव मेजर्स ले सकते हो. हैकअप का 7 स्टेप्स होता है, 7 स्टेप्स ऑफ हैकअप सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट. इसके ऊपर एक फॉरो गाइडलाइन भी एक फॉरो वीडियो भी बनाया जा सकता है. ब्रीफली हम लोग जान लेते हैं कंडक्ट द हैजर्ड एनालिसिस एंड आइडेंटिफाई द प्रिवेंटिव मेजर्स फॉर ईच स्टेप ऑफ द प्रोसेस. प्रोसेस में कितना भी हैजर्ड्स है उसको आइडेंटिफाई करके उसका प्रिवेंटिव मेजर सबसे पहले लिया जाता है. सबसे पहले हैजर्ड्स को एनालिसिस किया जाता है, उसके बाद डिटरमाइन द क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट उसकी बिहाफ पे हैजर्ड्स की बिहाफ पे क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट्स जो है जहाँ पे आपको कंट्रोलिंग मेजर्स लेना है वो क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट को आपको डिटरमाइन करना है. उसके बाद स्टेब्लिश द क्रिटिकल लिमिट उस डिटरमिनेशन की बिहाफ पे आपको क्रिटिकल लिमिट जैसे इन प्रोसेस लिमिट हो गया. इन प्रोसेस लिमिट में अलग अलग चेक पैरामीटर्स होता है उसका लोअर लिमिट अपर लिमिट एक्सेप्टेबल लिमिट डिसाइड किया जाता है. तो इस ऐसे ही आपको स्टैब्लिश करना है क्रिटिकल लिमिट्स. उसके बाद स्टैब्लिश अ सिस्टम टू मॉनिटर द क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट. जो भी क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट आपने डिसाइड किया निकाला है उसको पीरियोडिकली चेक करने के लिए आपको एक सिस्टम डेवलप करना पड़ेगा. एक मैनेजमेंट का सिस्टम होगा, वो सिस्टम की दौरान आप क्या करेंगे क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट को मॉनिटर करेंगे पीरियोडिकली डेली बेसिस पे. स्टैब्लिश द करेक्टिव एक्शंस
to be taken when monitoring indicates that the critical control points are not in the state of control. Agar critical control point state of control ke beyond gaya, jo apne monitoring system develop kiya usse aapko malum chala, to aapko proper corrective actions lena padega. Establish the system to verify that the HACCP system is working effectively. आपको एक establish करना पड़ेगा system, जो system के द्वारा आप check करेंगे कि आपने जो HACCP system define किया है वो properly working हो रहे कि नहीं हो रहे. और seventh step, that is last but not the least, establishment a record keeping system. मतलब आपको एक record keeping system रखना पड़ेगा जिससे आप CCPs को critical control point को daily basis पे monitoring करेंगे और उसको record करेंगे in the documented form. So this is the most important step of HACCP. अभी देखें कि potential area of use. HACCP might be used to identify, manage risk associated with the physical, chemical, biological hazards including microbiological contamination. अभी चलिए जानते हैं hazard probability analysis और इसको HAZOP बोलते हैं. HAZOP. HAZOP आपको IEC 61882 में मिलेगा. It is based on the such theory that assumes that the risk events are caused by deviations from the design or operating intentions. अभी इसके लिए क्या किया जाता है, इसके लिए कुछ गाइड वर्ड्स है. गाइड वर्ड्स जैसे कि नो, मोर, अदर देन और पार्ट ऑफ. These questions are applied to the relevant parameters, जैसे कि contamination, temperature, ये सब के ऊपर ये questions imply किया जाता है और उसका भी आप पे potential deviations को address किया जाता है और उसके according इसके against पे corrective actions design किया जाता है. Manufacturing process में इसको use किया जाता है, including outsourced product formulation as well as upstream suppliers, equipment, facilities, drug substances, medicinal products में इसको प्रयोग किया जाता है. अभी देखेंगे preliminary hazard analysis, इसको FAR बोलते हैं. FAR is the tool of analysis based upon the applying prior experience or knowledge of the hazards or failure to identify further hazards. तो आपको already पहले एक hazard analysis आपने कर चुके हैं, आपको potential failure कहाँ पे है मालूम चल गया, उसके बिहाफ पे आप फिर से further hazards को और hazardous सिचुएशन को और इवेंट्स को आप और कॉज एंड इफेक्ट आप ढूंढना चाहते हो, उसके लिए इसके लिए आपको प्रिलिमिनरी हैजर्ड एनालिसिस करते हैं. दिस आइडेंटिफिकेशन ऑफ द पॉसिबिलिटीज दैट द रिस्क इवेंट हैपेंस, क्वालिटेटिव इवैल्यूएशंस एंड एक्सटेंट ऑफ द पॉसिबल इंजरी और डैमेज टू द हेल्थ दैट कुड रिजल्ट्स, रिलेटिव रैंकिंग ऑफ द हैजर्ड्स using a combination of severity and the likelihood of the occurrence, the identification of possible remedial measures. ये सब जो है इसका tools है. FAR might be useful when analyzing existing system or prioritizing hazards where circumstances prevent a more extensive technical from being used. जो पहले हमने tools use किए हैं उससे मोर टेक्निकल कुछ एक्सटेंसिव आप कुछ फाइंडिंग्स करना चाहते हैं उसके लिए FAR यूज करते हैं. FAR इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड अर्ली इन द डेवलपमेंट ऑफ द प्रोजेक्ट व्हेन देयर इज अ लिटिल इंफॉर्मेशन ऑन डिजाइंस डिटेल्स और ऑपरेटिंग प्रोसीड्यूर्स. टिपिकली हैजर्ड्स आइडेंटिफिकेशन इन द FAR आर फर्दर एक्सेस्ड विद अदर रिस्क मैनेजमेंट टूल्स सच एज दोज इन द सिचुएशंस. अभी देखेंगे रिस्क रैंकिंग एंड फिल्टरिंग. रिस्क रैंकिंग एंड फिल्टरिंग इज अ टूल फॉर कंपेयरिंग एंड रैंकिंग ऑफ द रिस्क. द टूल इन्वॉल्व्स ब्रेकिंग डाउन द बेसिक रिस्क क्वेश्चन इनटू अ मेनी कंपोनेंट्स एज नीडेड टू कैप्चर फैक्टर्स इन्वॉल्व इन द रिस्क. अभी देखेंगे पोटेंशियल एरियाज ऑफ यूज. रिस्क रैंकिंग एंड फिल्टरिंग कैन बी यूज to prioritize the manufacturing sites for inspections or audits by a regulator or industry. Now, risk ranking is useful when management need to evaluate both qualitative access and quantitative access to ranks within the same organization or framework. Now,
supporting statistical tools. Statistical tools can be support and facilitate the quality risk management. Supporting tools kaisa hai? Jaise ki acceptance and control chart. Control charts with arithmetic average and warning limits. Cumulative sum charts. So hard control charts. Weighted as a moving average. Design of experiments, जिसको DOE बोलते हैं, histograms हो सकता है, Pareto chart हो सकता है, process capability analysis, जिससे आप process capability index को define कर सकते हो. अभी देखेंगे, इसका an exact tool, that is potential applications of quality risk management. Quality risk management को आप कहाँ पे apply कर सकते हो? Quality risk management is a management as part of the integrated qualities management system, जिसको आप documentation पे imply कर सकते हो, training and education पे imply कर सकते हो, quality effects के ऊपर imply कर सकते हो, auditing inspection बहुत important है, जिसमें आप existing legal requirements को check कर सकते हो, overall compliance of the system, status and history of the company and the facility आप check कर सकते हो, robustness of the company's quality risk management activities, quality का risk management आपका उसका robustness को आप check कर सकते हो, complexity of the site का कितना complexity है उसको check कर सकते हो, complexity of the manufacturing process आप check कर सकते हो, complexity of the product and its therapeutic significance आप check कर सकते हो, number of the significance of quality defects आप quality defects like recalls आप evaluate कर सकते हो, result of previous audits and inspections को आप check कर सकते हो, major changes in the building equipment process key personnel इसको आप evaluate कर सकते हो, experience with manufacturing of as a product like frequency volume number and the batches को आपको check कर सकते हो, test results of the official control in laboratories इसको आप check कर सकते हो, उसके बाद आप periodically इसे उसको review कर सकते हो, आप change management system को check कर सकते हो like change control system, अभी आप continual improvements भी evaluate कर सकते हो, जिसका आप जिसके through आप product का life cycle को properly evaluate करके उसके according आप facilitate कर सकते हो, quality risk management as a part of regulatory operation में inspection and assessment activities के लिए क्वालिटी रिस्क मैनेजमेंट को यूज किया जा सकता है, क्वालिटी रिस्क मैनेजमेंट एज अ पार्ट ऑफ डेवलपमेंट, प्रोडक्ट डेवलपमेंट में क्वालिटी रिस्क मैनेजमेंट को इंप्लाई किया जा सकता है, जिससे रिड्यूस द प्रोडक्ट एंड मटेरियल डिफेक्ट्स, रिड्यूस द मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट, इससे आप प्रोडक्ट और मटेरियल का डिफेक्ट को रिड्यूस कर सकते हो, आप मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट को भी रिड्यूस कर सकते हो, क्वालिटी रिस्क मैनेजमेंट फॉर फैसिलिटेट्स इक्विपमेंट यूटिलिटीज, इसमें आप क्या कर सकते हो, डिजाइन एंड फैसिलिटीज को चेक कर सकते हो, जिसमें आप फ्लो ऑफ द मटेरियल एंड पर्सनल को इवेल्युएट कर सकते हो, मिनिमाइज द कॉन्टामिनेशन, जिसमें आप पेस्ट कंट्रोल से मेजर कर सकते हो, प्रिवेंटिव मेजर्स, प्रिवेंशन फॉर द मिक्सअप ऑफ द प्रोडक्ट का मिक्सअप को आप प्रिवेंट कर सकते हो, ओपन वर्सेस क्लोज इक्विपमेंट्स आप चेक कर सकते हो, कितना ओपन इक्विपमेंट है, कितना क्लोज इक्विपमेंट है, क्लीन रूम वर्सेस आइसोलेटेड टेक्निक्स, कहाँ पे आप क्लीन रूम यूज करेंगे, क्लीन रूम्स और उसके साथ साथ आइसोलेटेड से टेक्निक कितना आइसोलेटेड है आपका टेक्निक्स उसको भी इवेल्युएट कर सकते हो, आपका डेडिकेटेड और डेडिकेटेड फैसिलिटीज एंड इक्विपमेंट्स भी आप चेक कर सकते हो, हाइजीन एस्पेक्ट्स एंड फैसिलिटीज इवेल्युएट कर सकते हो, क्वालिफिकेशन फैसिलिटी इक्विपमेंट यूटिलिटीज को आप चेक कर सकते हो, क्लीनिंग ऑफ द इक्विपमेंट एंड एनवायरमेंटल कंट्रोल आप चेक कर सकते हो, कैलिब्रेशन प्रिवेंटिव मेंटेनेंस को चेक कर सकते हो, कंप्यूटर सिस्टम एंड कंप्यूटर कंट्रोल इक्विपमेंट को आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, उसमें आप क्या क्या चीज कर सकते हो, आइडेंटिफिकेशन ऑफ क्रिटिकल परफॉर्मेंस पैरामीटर को चेक कर सकते हो, सिलेक्शन ऑफ रिक्वायरमेंट्स एंड डिजाइन को वेरीफाई कर सकते हो, कोड रिव्यू कर सकते हो, द एक्सटेंट ऑफ टेस्टिंग एंड टेस्ट मेथड्स को वेरीफाई कर सकते हो, रिलायबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स एंड सिग्नेचर्स, जिसको हम CFR 21 कॉम्प्लायंस बोलते हैं, उसको भी आप इवेल्युएट कर सकते हो, क्वालिटी रिस्क मैनेजमेंट एज ए पार्ट ऑफ मटेरियल मैनेजमेंट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वालिटी रिस्क मैनेजमेंट को मटेरियल मैनेजमेंट के लिए आप क्या कर सकते हो, असेसमेंट एंड इवेल्युएशन ऑफ सप्लायर एंड कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर को आप इवेल्युएट कर सकते हो, स्टार्टिंग मटेरियल को आप चेक कर सकते हो, यूज ऑफ मटेरियल्स को इवेल्युएट कर सकते हो, मटेरियल का मूवमेंट को चेक कर सकते हो, स्ट्रेटेजीज लॉजिस्टिक्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन कंट्रोल आप कर सकते हो, क्वालिटी रिस्क मैनेजमेंट एज ए पार्ट ऑफ प्रोडक्शन,
प्रोडक्शन में आप क्वालिटी रिस्क मैनेजमेंट को इवेल्युएट कर सकती हो ड्यूरिंग वैलिडेशन, एनालिटिकल मेथड वैलिडेशन हो सकता है, प्रोसेस वैलिडेशन हो सकता है, इक्विपमेंट एंड क्लीनिंग वैलिडेशन हो सकता है, ये सब चीजें आप ड्यूरिंग प्रोसेस चेक कर सकते हो, इन प्रोसेस एंड सैम्पलिंग एंड टेस्टिंग्स भी इवेल्युएट कर सकते हो और उसके भी आप जस्टिफाई कर सकते हो अंडर कंडीशंस ऑफ प्रूवन कंट्रोल। अभी आप प्रोडक्शन प्लानिंग भी कर सकते हो, इसके साथ साथ क्वालिटी इश्यू रिस्क मैनेजमेंट एज ए पार्ट ऑफ लेबोरेटरी कंट्रोल एंड स्टेबिलिटी, इसमें आपका आउट ऑफ स्पेसिफिकेशन रिजल्ट्स आया तो आप उसके अकॉर्डिंग प्रॉपरली इन्वेस्टिगेट कर सकते हो, आप रिटेस्ट पीरियड एंड एक्सपायरेशन डेट को इवेल्युएट कर सकते हो रॉ मेटेरियल एक्सिपियंस का, उसके साथ साथ आप क्वालिटी रिस्क मैनेजमेंट एज ए पार्ट ऑफ पैकिंग एंड लेबलिंग भी इवेल्युएट कर सकते हो, जिसमें आप डिजाइन ऑफ पैकेजिंग मेटेरियल लेबल उसका ऑथेंटिसिटी को इवेल्युएट कर सकते हो, सिलेक्शन ऑफ कंटेनर क्लोजर सिस्टम, आपका जो कंटेनर क्लोजर सिस्टम है उसका उसका क्रिटिकल से पैरामीटर्स को आप चेक कर सकते हो, उसके बाद लेवल कंट्रोल, आपके पास जो अवेलेबल से लेवल्स है उसका से पोटेंशियल से मिक्स आपको अगर होता है उसको भी आप रिस्क असेसमेंट करके उसके अगेंस्ट पे आप करेक्टिव एक्शन ले सकते हो, डिफरेंट से प्रोडक्ट लेवल हो सकते हैं आपके पास तो उसमें अगर पोटेंशियल मिक्सअप ना हो उसके लिए आप एडिक्वेट सिस्टम को डेवलप कर सकते हो। तो ये रहा क्वालिटी रिस्क मैनेजमेंट। तो कैसा लगा दोस्तों आप लोगों को, तो जरूर अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, दोस्तों को बीच में शेयर करिएगा, क्योंकि गाइडलाइन आपका खुद के नॉलेज को एनहेंस करने के लिए नहीं है, सबके लिए बनाया गया है और उसको जानना उसको अंडरस्टैंड करना सबके लिए जरूरी है। प्लीज 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 डू लाइक एंड शेयर दिस वीडियोस टू ऑल ऑफ योर फ्रेंड्स, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल और ऐसे ही वीडियोस ऐसे ही गाइडलाइन के ऊपर डिस्कशन करते हुए कंटिन्यू हम लोग ये चैनल को आगे लेते हुए चलेंगे। तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू विल बी नोटिफाइड फॉर एवरी न्यू अपलोडेड वीडियोस। तो यहीं पे वीडियो को खत्म करते हैं, धन्यवाद।